सूर्या ने बिगाड़ा रोहित का खेल। अब सभी टीम रोहित को छोड़ सूर्या के पीछे पड़ी। बुरी तरीके से फंस गया रोहित। सूर्या को इस टीम ने दिया इतने करोड़ का ऑफर और कप्तानी करने का भी मौका। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से सूर्य कुमार यादव ही रोहित शर्मा का खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आज आपको इस वीडियो में। बस आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि आईपीएल इतना ज्यादा यहां पर दोस्तों टेंसिंग हो जाएगा कि आईपीएल 2024 शुरू होने से 4 महीने पहले 5 महीने पहले ही एक ऑफ द फील्ड लड़ाई होने लगेगी। और वो लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों मुंबई इंडियंस के खेमे से। दरअसल आज से 1 महीने पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ गए थे। गुजरात टाइटन्स की टीम छोड़ वो यहां पर दोस्तों मुंबई में आ गए। उसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या जैसे मुंबई में आए, आज से कुछ दिन पहले उनको मुंबई का कैप्टन भी बना दिया गया। यहां दोस्तों चीजें बिगड़ गईं। जब उनको कैप्टन बनाया गया, उसके बाद दोस्तों मुंबई में एक बगावत सी छिड़ गई। सबको लग रहा था, यानी दोस्तों हर कोई, हर दूसरा खिलाड़ी कप्तानी की सोच रहा था। पहले तो सूर्या सोच रहे थे कि शायद जब रोहित रिटायर होंगे तो उनको कप्तानी दे दी जाएगी, लेकिन जब हार्दिक पांड्या रोहित से ऊपर निकल गए तो सूर्या को लगने लगा अब मेरा पत्ता साफ हो गया, क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या आने वाले 5 से 10 साल तो अभी कप्तानी करने के लायक है, अब तक तो मैं संन्यास ले लूंगा। यानी सूर्या को लगने लगा कि जो उनका कप्तानी का फैसला है या जो उनका कप्तानी का सपना है मुंबई इंडियंस की कप्तानी का, वो तो अधूरा रह जाएगा। ऐसे में दोस्तों जब सूर्या ने ये देखा तो उनको समझ में आने लगा कि अब यहां पर मुंबई इंडियंस में रुकना शायद घाटे का सौदा होगा। और यही चीज दोस्तों रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। रोहित शर्मा जब कप्तानी हटाई गई उनको, तो कई टीमें उनको अप्रोच कर रही थी कि आइए आप हमारा कप्तान बन जाइए। लेकिन जब सूर्या भी दोस्तों अदर टीमों से कॉन्टेक्ट करने लगे, बातचीत दोस्तों होने लगी, लगभग 3 टीमों से उनकी बातचीत चल रही है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 टीमें उनके पीछे पड़ी है। आरसीबी को पता है कि फैफ डुप्लेसिस आने वाले 1-2 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे। ऐसे में उनको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस के बाद उनको अपना कैप्टन ढूंढना है, तो सूर्या वो लायक के कप्तान बन सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स, पंत का कोई भरोसा नहीं कब फिट होंगे कब आएंगे, तो दिल्ली कैपिटल्स एक परमानेंट कैप्टन चाहती है, और सूर्या उनको एक परमानेंट कैप्टनसी के साथ साथ परमानेंट बैट्समैन का भी यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन दे सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद यानी ये सारे चाहती है कि कोई हमारे देश का कैप्टन बने। अब पैट कमिंस को उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन क्या उनको कप्तान बनाएंगे ये बड़ा सवाल रहने वाला है। इस वजह से दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद एक अपने देसी कैप्टन को ढूंढ रही है। इस वजह से दोस्तों सूर्य कुमार यादव को आसानी से 30 से 32 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। 30 से 32 करोड़ इसलिए क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव अगर यहां पर पहुंच जाएंगे मुंबई इंडियंस को छोड़कर हैदराबाद में, तो निश्चित है कि हैदराबाद इतना पैसा देने के काबिल है। 2-4 प्लेयर रिलीज करेगी और उनके पास आसानी से पैसे आ जाएंगे। यहां तक कि अगर वो पैट कमिंस को ही रिलीज कर दे तो 22 करोड़ उनके पास ऐसे ही आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पैट कमिंस को रिलीज करके सूर्या को हैदराबाद खरीद सकती है या दिल्ली कैपिटल्स या आरसीबी खरीद सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।